दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। नमस्कार, मैं वर्णी सिंह और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। भागलपुर में चादर, तकिया और सैनिटाइजर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। भागलपुर में ट्रेनों के परिचालन शुरू होने के बाद स्टेशनों पर ही चादर, तकिया और सैनिटाइजर यात्रियों को मिलेंगे। पहले फेज में भागलपुर जंक्शन और जमालपुर जंक्शन पर इसके लिए स्टॉल लगेंगे। यहां से निर्धारित मूल्य पर यात्री इन सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इनके लिए रेलवे की अधिकृत एजेंसी IRCTC ने मंथन करना शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार के मंत्री की पत्नी की कोरोना से मौत, तेजस्वी ने जताया शोक। पटना एम्स में इलाजरत। बिहार सरकार में गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद उर्फ फिरोज आलम की 55 वर्षीय पत्नी बैबून निशा की मौत गुरुवार की दोपहर हो गई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 18 अगस्त को उन्हें पटना एम्स में एडमिट कराया गया था। एक सप्ताह से वेंटिलेटर पर थी। इसी दौरान प्लाज्मा भी चढ़ाया गया, लेकिन स्थिति काफी नाजुक रहने की वजह से गुरुवार को उनकी मौत हो गई। बिहार सरकार पर तेजस्वी ने फिर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार ने दो पीढ़ियों को कर दिया बेरोजगार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर एक बार फिर से राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार CM नीतीश कुमार जी से आप उनके कर कमलों द्वारा बिहार को सौंपी गई रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पलायन पर सवाल करेंगे तो वे गुस्से से लाल हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं की दो पीढ़ियां बर्बाद करने के बाद जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। बम्पर बहाली होगी। बिहार में 12,621 पदों के लिए सरकार निकालेगी विज्ञापन। बिहार में महज 3 साल में स्वास्थ्य विभाग में 21,530 नियुक्तियां विभिन्न कोटि में हुई है और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति इसी माह में होने वाली है। यह जानकारी गुरुवार को बयान जारी कर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। कई ने सरकारी नौकरियों को छोड़ा, टिकट पाने के लिए राजनीति में उतरे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कई नौकरी पेशा भी टिकट की दावेदारी करने लगे हैं। आधे दर्जन से अधिक कर्मचारी टिकट के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक का चक्कर लगा रहे हैं। एक महिला अधिकारी नगर विकास विभाग की नौकरी छोड़कर टिकट की दौड़ में लग गई है। वह प्रदेश से लेकर केंद्र तक भाजपा के कदावर नेताओं से मिल चुकी है। वह भागलपुर या नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रही है। बिहार चुनाव की मुश्किलें खत्म नहीं, आयोग की समीक्षा बैठक में हुई माथापच्ची। देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को भी संपन्न कराना है। बिहार चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर हुई निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक में माथापच्ची हुई है। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न राज्यों में उपचुनाव कराने के संबंध में आज आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक संपत्ति, कहा पटना हाई कोर्ट ने। पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है, मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है। साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विष्णुपद मंदिर के पुजारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। बांका के सुइया पहाड़ के चकमक पत्थर की भूटान हो रही तस्करी। बांका के सुइया पहाड़ के सफेद चकमक पत्थरों को तोड़कर पिछले 2 साल से माफिया भूटान भेज रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह और जमुई के पत्थर माफिया कुछ स्थानीय लोगों को प्रलोभन देकर इसकी तस्करी कर रहे हैं। सुइया पहाड़ के आसपास के जंगलों में बड़ी मात्रा में चमकीले पत्थर बिखरे पड़े हैं। यह काफी मजबूत और चिकना होता है। बैंकों ने रोजगार के लिए खोला खजाना, 30,000 लोगों को किया मदद, आप भी उठाएं फायदा। लॉकडाउन में जिले के फुटकर, सूक्ष्म कुटीर और लघु उद्योग वालों की कमर टूट गई है। कई के उद्योग धंधे बंद होने के कगार पहुंच गए हैं। ऐसे में बैंक ने ऐसे उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए खजाना खोल दिया है। मार्च से अगस्त तक बैंक की ओर से करीब 30,000 लोगों को उनकी वर्किंग कैपिटल के अनुसार ऋण मुहैया कराया गया है। 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक ऋण दिए गए हैं। कुल मिलाकर करीब 65 करोड़ का वितरण किया गया है।
साथ ही बैंक बड़े उद्यमियों और व्यवसायियों को अतिरिक्त क्रेडिट लाइन भी उपलब्ध करा रही है। हर टिकट पर रेलवे वसूल कर रहा है तत्काल का किराया। सहरसा में रेलवे ने लॉकडाउन में अपने राजस्व की भरपाई करने में लग गया है। एक और लॉकडाउन के कारण पिछले 6 माह से रेल सेवा पूरी तरह से बंद है। इसकी भरपाई करने में रेलवे जुट गया है। 4 सितंबर से 15 सितंबर 20 तक चल रही एग्जाम स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे छात्रों से तत्काल का किराया वसूल कर रही है। रेल हर टिकट पर निर्धारित पूर्व किराया से अधिक 100 से 125 रुपए अधिक वसूल कर रहा है। मुंगेर में हड़ताली कृषि सलाहकारों ने अपनी मांगों को लेकर कृषि संयुक्त निदेशक का घेराव कर की नारेबाजी। मुंगेर में कृषि विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा कृषि सलाहकारों के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार को लेकर किसान सलाहकारों ने कृषि संयुक्त निदेशक संशय मुंगेर प्रमंडल मुंगेर सुरेंद्र नाथ का घेराव कर नारेबाजी की। इस मामले में कृषि सलाहकारों की माने तो कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसलों और उन्नत तकनीक से खेती करने के बारे में जानकारी देने के लिए बहाल किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा हर पंचायत में एक केंद्र बनाए गए हैं जहां पर प्रतिदिन 6 घंटे अपनी सेवा देनी है, परंतु कृषि विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा इनसे गैर कृषि कार्य लिया जा रहा है। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। बिहार में 15 साल बनाम 15 साल को लेकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि UDA ने बिहार में मोर्चा खोला, बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में बिहार में 15 साल बनाम 15 साल को लेकर बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार आंदोलन के तहत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि UDA के राष्ट्रीय संयोजक यशवंत कुशवाहा मुंगेर पहुंचे और किला परिसर स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को कहा कि आज बिहार की जनता गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि हर तरह की मार झेल रही है, उसके साथ ही बिहार सरकार की मार भी झेल रही है, इसलिए अब बिहार में बदलाव की जरूरत है। मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड में 7 निश्चय योजना में हुए घोटाले को लेकर जाप नेता ने DM को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंड में 7 निश्चय योजना में हुए घोटाले को लेकर जाप कार्यकारी अध्यक्ष अजय यादव ने जांच कराने को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन और कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में 7 निश्चय योजना में भारी घोटाला एवं फर्जी कंपनी को देकर संबंधित लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए, बने रहिए जीएस न्यूज के साथ, धन्यवाद। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।